हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक नई कहानी क्लास सिक्स सप्लीमेंट्री रीडर अफेक्ट विद द सन की। इस कहानी का क्या नाम है? द फ्रेंडली मंगूस। मंगूस मीन्स नेवला। इस कहानी में एक किसान, उसकी पत्नी और उनका बच्चा है जो एक नेवले को गोद लेते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ी इमोशनल भी है। इस कहानी में एक मॉरल भी है और मुझे पूरा विश्वास है कि कहानी के अंत तक वो मॉरल आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे बच्चे के साथ गांव में रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वे अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए। वेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तब उसे एक दोस्त की जरूरत होगी। कंपेनियन, दोस्त। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। और वही पेट हमारे बच्चे का दोस्त बनेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। उसकी पत्नी को आइडिया बहुत पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टाइनी मंगूस। एक शाम किसान अपने साथ एक छोटा सा मंगूस लेकर आता है। इट वॉज अ बेबी मंगूस, सेड हिज वाइफ, बट विल सून बी फुली ग्रोन। उसकी पत्नी कहती है कि यह एक छोटा मंगूज है लेकिन ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। यह हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। फिर क्या होता है? बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू। बच्चा और मंगूज दोनों बड़े हो गए। इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5-6 महीने में मंगूस तो पूरा बड़ा हो गया। अ लवली एनिमल, बड़ा प्यारा सा, विथ टू शाइनिंग ब्लैक आईज एंड अ बुशी टेल। उसकी चमकदार काली आंखें थी और एक घनी सी पूंछ। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। पर किसान का जो बेटा था वो तो अभी भी झूले में ही था। क्रेडल मतलब झूला। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, कभी रोता रहता कभी सो जाता, ऐसे ही तो करते हैं ना बच्चे। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी को मार्केट में जाना था। शी फेड द बेबी एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन द लिटिल क्रेडल। उसने अपने बेबी को फीड किया यानी कि दूध पिलाया एंड रोक्ड हिम। रोक्ड मतलब मूव्ड जेंटली, आराम से उसे क्रेडल के अंदर सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड। बास्केट टोकरी, टोकरी उठाते हुए वह अपने पति से बोली, आई एम ऑफ टू द बाजार। मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, और बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, बच्चे पर नजर रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। वो उसकी वाइफ कहती है कि मैं मंगूस के साथ अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। यू नीडंट बी अफ्रेड, सेड द फार्मर। फार्मर ने कहा, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। द मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल। मंगूस बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है। इट्स एज स्वीट एज आर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो। वह उतना ही स्वीट है जितना कि हमारा बच्चा है, और तुम्हें तो पता ही है वे दोनों कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। द वाइफ वेंट अवे, उसकी पत्नी बाजार चली जाती है। एंड द फार्मर हैव नथिंग टू डू इन द हाउस। अब फार्मर अकेला था, उसके पास भी घर पे काम करने के लिए तो कुछ था ही नहीं। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे।
तब उसने फैसला किया कि वह बाहर जाएगा और अपने खेतों को देख कर आएगा, यानी कि संभाल कर आएगा, जो ज़्यादा दूर नहीं थे। ही रैन इंटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक। तब वापस आते समय वो अपने एक फ्रेंड के घर रुक जाता है एंड डिंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और काफ़ी देर तक वापस ही नहीं आता है। फिर उसके बाद क्या होता है? द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद द बास्केट ऑफ ग्रोसरीज। फार्मर की पत्नी अपनी शॉपिंग कंप्लीट करती है और राशन का सामान भर के बास्केट में वापस आ जाती है। ग्रोसरीज का मतलब क्या होता है? राशन का सामान। शी सो द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। तब उसने देखा कि मंगूस बाहर ही बैठा है, ऐसे लगा जैसे वो उसका ही इंतजार कर रहा है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। कस्टमरी मतलब यूजुअली। किसान की पत्नी को देखकर मंगूस उसकी तरफ उसका वेलकम करने के लिए भागता है, वो तो उसका हर रोज का काम था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड। लेकिन क्या होता है, फार्मर की पत्नी जब मंगूस को ध्यान से देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है, ब्लड, शी क्राइड। वो जोर से चिल्लाती है कि ब्लड। द फेस एंड द पोज ऑफ द मंगूस वर स्मीयर्ड विद ब्लड। मंगूस का फेस और उसके पंजे, पोज मतलब पंजे, खून से सने हुए थे, स्मीयर्ड, सने हुए थे। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। तब वह जोर से पागलों की तरह चिल्लाती है, हिस्टेरिकली वाइल्डली, पागलों की तरह चिल्लाती है। यू विक्ड एनिमल, तुम बुरे जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, रेज मतलब एंगर, गुस्सा, वह गुस्से में अंधी हो गई थी। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रोट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। और पूरा जोर लगा के जो उसने हाथ में ग्रोसरीज वाली बास्केट पकड़ी हुई थी, वो क्या करती है? ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूस, खून से सने हुए मंगूस के मुंह पे दे मारती है। एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और बच्चे के झूले की तरफ भागती है। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, लेकिन होता क्या है, बेबी तो बहुत आराम से गहरी नींद में सोया हुआ है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टोन एंड ब्लीडिंग, लेकिन फर्श पर एक काला सांप जिसके खून निकल रहा था, टूटा हुआ पड़ा था, वो देखती है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। अब उसकी आंखों के सामने पूरा सीन घूम जाता है कि क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, वह बाहर की तरफ मंगूस को देखने के लिए भागती है। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, बट हैव आई डन, शी क्राइड टचिंग द मंगूस। फिर वह मंगूस को टच करते हुए उसे कहती है, उसे बड़ा रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने उस स्नेक को मार दिया था, और मैंने क्या किया। यू हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, पर मंगूस मर गया था, स्टिल पड़ा हुआ था, अब उसे उसकी सिसकियां सुनाई नहीं दे रही थी। सोबिंग, सिसकियां। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रैशली, जो फार्मर की पत्नी थी जिसने बहुत जल्दी एक्शन किया, रैशली, बिना सोचे समझे, स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस। अब वो लगातार मंगूस, मरे हुए मंगूस की तरफ देख रही थी। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, अब तो तभी उसने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए, शी वेंट इन टू फीड हिम, अपने कमरे के अंदर वैसे दूध पिलाने चली जाती है। अ स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र, ये एक ऐसी स्टोरी है जो पंचतंत्र से ली गई है,
ये पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा था। इट वॉज एन इंडियन राइटर। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप कि बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब इसमें क्या मोरल आया ये भी आप समझ गए होंगे कि हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रैशली। जब हम गुस्से में होते हैं हमें कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। डोंट टेक डिसीजन व्हेन यू आर एंग्री, डोंट टेक हेस्टी डिसीजन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।